नमस्कार दोस्तों, अगर हम SBI अकाउंट का जो है आधार से UPI पिन जो है सेट करने जा रहे हैं तो इस तरीके का जो है हमें प्रॉब्लम आ रहा है फोन पे ऐप में। तो देखें, यहाँ पर सबसे पहले बताया जा रहा है कि अनेबल टू सेट UPI पिन, इट्स लुक लाइक दिस बैंक अकाउंट इज नॉट लिंकेड विथ योर आधार नंबर। बताया जा रहा है कि आपका जो बैंक अकाउंट है आधार नंबर से जो है लिंक नहीं है, जबकि हमारा बैंक अकाउंट जो है आधार नंबर के साथ जो है लिंक है ऑलरेडी पहले से। इसके बाद आपको नीचे में जो बताया जा रहा है कि सेट UPI पिन यूजिंग डेबिट कार्ड, बताया जा रहा है कि आप अपने ATM कार्ड से जो है UPI पिन जो है सेट कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट सपोर्ट का जो है ऑप्शन नीचे में जो है दिया गया है। ये एरर आने के बाद हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS भी जो है आया हुआ है। इस SMS में जो है बताया जा रहा है कि डियर यूजर, इधर मल्टीपल आधार इज मैपेड टू योर मोबाइल नंबर और योर अकाउंट इज नॉट लिंकेड विथ आधार, प्लीज विजिट योर नियरेस्ट ब्रांच। कहने का मतलब ये हुआ कि अब हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो आधार नंबर लिंक नहीं है, या हो सकता है कि आपके अकाउंट में जो है मल्टीपल आधार कार्ड लिंक है, इसी के वजह से जो है आप अपने SBI का जो अकाउंट है आधार कार्ड से UPI पिन जो है नहीं सेट कर पा रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में जो ये रीजन नहीं है, जबकि हमारे अकाउंट में जो है आधार कार्ड ऑलरेडी पहले से लिंक है। जब SBI में और फोनपे में जब हम ये सेट करने जा रहे हैं आधार कार्ड से UPI, तो इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा है। इस प्रॉब्लम को जो है कैसे सॉल्व किया जाता है, आइए आज की इस नए वीडियो में जो है जानते हैं। तो सो फ्रेंड, मेरा नाम है विशाल कुमार, आप देख रहे हैं प्यारा चैनल बर्माटे। चैनल पर नया है तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फोन पे ऐप में जब SBI अकाउंट को जो है आधार कार्ड से UPI पिन सेट करने जा रहे हैं, तो क्यों हमें बताया जा रहा है कि आपके अकाउंट में जो है आधार नंबर जो है नहीं लिंक है। सबसे देखिए, पहले जो हम आपको प्रॉब्लम के साथ सोल्यूशन जो है बताने वाले हैं। अगर आपके SBI अकाउंट में जो है जो भी एड्रेस आधार कार्ड पर दिया गया है, वही एड्रेस जो है सेम डिटेल जो है आपके बैंक अकाउंट में जो है होना चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड पर जो है डेट ऑफ बर्थ जो है अलग है, आपके अकाउंट में अगर डेट ऑफ बर्थ जो है अलग है, तो ये प्रॉब्लम जो है जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपके जो है आधार कार्ड में एक मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि उस पर जो है एक 6 डिजिट का OTP जो है सेंड किया जाएगा जब आप आधार कार्ड से UPI पिन जो है सेट करने जो है जाइएगा। दूसरा आपको ये करना होगा कि आपको जो है अपने नज़दीकी ब्रांच में जो है जाकर आधार कार्ड जो है अपने बैंक अकाउंट में जो है लिंक कराना होगा। कहने का मतलब कि आप अगर जब भी CSP में जाइएगा तो वहाँ पर बोलिएगा कि ये हमारा जो है SBI का अकाउंट है, हम आधार नंबर दे रहे हैं, आधार नंबर से जो हमारा पैसा निकाल कर जो है बता दीजिए। अगर पैसा अगर वो आपका वहाँ पर अगर निकल जाएगा, तो आप जो आपका अकाउंट जो है SBI का अकाउंट जो है आधार नंबर से जो है लिंक हो चुका है। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दे दिया गया है, आप उस वीडियो को देखने के बाद आप SBI के अकाउंट में जो है आधार बिना ATM कार्ड के जो है आधार कार्ड से UPI पिन जो है सेट कर सकते हैं, वो भी फोन पे ऐप में। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपका मन में कोई भी डाउट चल रहा होगा, एक नीचे हमें प्यारा सा कमेंट करके जो है बता सकते हैं।